ये बात है कि सिविल का कैसे क्या अध्ययन किया जाए, क्या किया जाए, किस प्रकार से किया जाए। तो जैसा ये मैंने कहा, अब ये दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जैसा मैंने कहा कि भाई ये तो सीपीसी तो बड़ा कठिन भी है, बड़ा सरल भी है। अब मैं थोड़ी सी, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, सब आप बड़े विद्वान हैं, आजकल के जो नए स्टूडेंट्स हैं तो वो सब बहुत अच्छी बातें आते हैं। अपने शास्त्रों वेदों में जो लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, और उसमें तो ये बात लिखी हुई है कि राजा का पहला कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना, पहला कर्तव्य है, ऐसा ऐसा है ये, उसका पालन पोषण करना, सब कुछ करना, ऐसा राजा का पहला कर्तव्य है। और यदि उसकी प्रजा के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट है, किसी प्रकार की कोई उनके पास विवाद है, तो उस विवाद का निपटारा करना राजा का पहला कर्तव्य है। वैसे मैं मानता हूं, जो बहुत सारे समाज शास्त्री हैं वो भी ये मानते हैं कि राजा की स्थापना ही दो विवादों को निपटारे के लेकर हुई। पहले छोटे छोटे कबीले थे, जहां से आप लाखों साल पहले जब मनुष्य आया होगा तो देखिए, और आपस में उनके बीच में विवाद होते, जब मनुष्य रहेगा तो विवाद होगा। उस विवाद को निपटारा करने की जिस व्यक्ति में क्षमता थी, जिसने उनका निपटारा किया, वही राजा हो गया, वही पहले उस कुंबे का मालिक हो गया, और फिर उसके बाद वो राजा हो गया, धीरे धीरे ऐसा बनने लगा। तो राजा का पहला काम ही ये है कि प्रजा के बीच में न्याय करना, ये राजा का काम है। ऐसा शास्त्रों में न मालूम कितनी बार लिखा गया है, यहां कहा भी गया है कि जहां धर्म है वही न्याय है, ऐसा 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 है। खैर, अब दूसरा, आज जो मॉडर्न आधुनिक जो जुडिशियल सिस्टम पूरे दुनिया में बना हुआ है, तो उसकी उसकी जो नींव है, तो उसको आपने जानते होंगे, आप सबने सुना होगा, हो सकता है उसको पढ़ा होगा, मैग्ना कार्टा का। आप ये किए, मैग्ना कार्टा 1235 में ब्रिटेन के राजा ने, यूनाइटेड किंगडम के राजा थे जॉन, तो उन्होंने और उनके जितने भी सामंत थे और जो पादरी थे, यहाँ उस समय पादरियों का बड़ा वर्चस्व हुआ करता था, तो उनके बीच में एक ये लिखित बात आई कि राजा और प्रजा, सामंत चर्च जितने भी हैं, तो वो कानून के अंतर्गत आएंगे। इसके पहले क्या था, या राजा ने जो कह दिया वही कानून है, कुछ भी कोई किसी तरह का कानून, लेकिन पहली बार ये बात है, जो राजा भी है वो भी कानून से बंधा, पहली बार की बात आई, और उसी से शुरुआत हुई। तो ये हुआ कि भाई हर व्यक्ति कानून से बंधा होना चाहिए, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो, चाहे अफसर हो और चाहे वो उसका चपरासी हो, चाहे जो भी है, चाहे सामान्य व्यक्ति है, सब कानून से बंधा होना चाहिए। ऐसा कॉन्सेप्ट 1235 में पहली बार ये आया, मैग्ना कार्टा, अभी भी उसके बारे में काफी चर्चा होती है। तो अब ये सब ये होता है, ये अब उसी का ये क्रम है कि ये चलते चलते यहाँ अपने देश में भी आया, यहाँ बहुत अंग्रेज लोग आए तो उन लोगों ने बहुत सारे कानूनों को कोडिफाई किया। हम लोग जो सीपीसी पढ़ते हैं, जो आईपीसी पढ़ते हैं, और जो सीआरपीसी भी है, सीआरपीसी को 1973 में अमेंड किया गया, लेकिन उसके पहले जो सीआरपीसी था लगभग वही है, उसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है, बहुत थोड़ा परिवर्तन किया गया। तो जो अंग्रेजों ने कानून बनाए, लगभग वही कानून जो है, तो अभी भी वो सब हम पढ़ रहे हैं, अंग्रेजों ने उसको कोडिफाई किया, एंड दे शुड बी थैंक्ड, उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि बहुत सारे कानूनों ने ऐसे बनाए कि उसमें किसी परिवर्तन की हमको सैकड़ों साल बाद भी उसमें आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जहां परिवर्तन किया गया तो सब गड़बड़ ही हो गया, चलिए वो उस इशू पर हम नहीं जाएंगे। तो उस ऐसा ये बनाया गया। अब देखिए जो सिविल लॉज हैं, अब ये एक उसमें मैग्ना कार्टा का जब मैंने उल्लेख किया, तो उस समय ये था कि जो मर्चेंट है, जो दूसरे देश में जो व्यापार करने के लिए जाते हैं, तो उसकी उनके हितों की रक्षा के लिए भी किसी प्रकार का कानून ये बनाया जाना चाहिए, ऐसा किया जाना चाहिए। तो ये कहा गया कि मर्चेंट के हितों की रक्षा के लिए अकानून बनाए जाए,
कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे जो मर्चेंट हैं, जो व्यापारी हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी, बल्कि जो व्यापारी है उसके हित का संरक्षण हो, ऐसा कानून होना चाहिए। और इसी से कॉमन सेंस आ गया, इसमें कानून इस तरह से आए। अब सिविल लॉ क्या कहता है? सिविल लॉ ये कहता है कि यदि किसी प्रकार का किसी का किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है या कोई पद है, एक कोई लीगल करेक्टर है, लीगल करेक्टर शब्द आया है, उसको आप देखेंगे, आप ये सेक्शन 9 जो है बड़ा महत्वपूर्ण है सीपीसी का, बहुत महत्वपूर्ण है, वही सब बताता है कि कौन सा सूट फाइल किया जाना चाहिए, कैसे सिविल सूट फाइल किया जा सकता है, किस बात के लिए सिविल सूट फाइल किया जा सकता है। ये सेक्शन 9 जो है, तो ये सिविल सूट का है, उसको जरूर आप लोग पढ़िए, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं